हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वरुण फ्रॉम APL इंटीरियर्स। देखिए, आज मैं आपको TCI फ्रेट से कंसाइनमेंट ट्रैक करना बताऊंगा। जैसे आप कोई भी माल बुक करते हैं तो TCI में अगर आपका प्रोडक्ट लगा है ट्रांसपोर्ट में, तो हम आपको बताएंगे कि आप अपना प्रोडक्ट कैसे ट्रैक कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट के बारे में जान सकते हैं, कब निकला, कहाँ पर है, कैसे है, ये सारी चीज़ों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ये देखिए, आपको मैं ये देखिए, जब भी आपका प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट में लगेगा तो TCI से कुछ इस तरह की बिल्टी मिलेगी आपको। या अगर हम आपका माल लगाते हैं ट्रांसपोर्ट में TCI फ्रेट से, तो इस तरह की बिल्टी देंगे। इसमें ये जो देख रहे हैं आप 133 करके जो बार कोड के नीचे नंबर लिखा हुआ है, ये आपका ट्रैकिंग नंबर होता है, या इसी को कंसाइनमेंट नंबर भी कहते हैं, जिससे आपका प्रोडक्ट ट्रैक होता है। आपको बस इसमें ध्यान रखना है कि ये आपका ट्रैकिंग नंबर मिटना नहीं चाहिए या खोना नहीं चाहिए, या बिल्टी नहीं खोनी चाहिए ट्रैक करने के लिए। तो आप देखिए किस तरीके से ट्रैक होता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाके TCI फ्रेट सर्च करेंगे, TCI फ्रेट। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। सबसे ऊपर इसकी वेबसाइट मिल जाएगी आपको। फर्स्ट वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये थोड़ा टाइम लेगा खुलने में, ये रीच नहीं हो पा रहा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, TCI फ्रेट की वेबसाइट खुल चुकी है। जैसे ही ये खुलेगी, वेबसाइट खुलेगी, सबसे ऊपर आपको दिखेगा ट्रैक कंसाइनमेंट। तो आपको इस पे क्लिक करना है, और जो बार कोड के नीचे नंबर लिखा था 133 करके, जैसा कि आपने अभी देखा था, उसको आपको इसमें डालना। वही कंसाइनमेंट नंबर है जैसे कि उसमें लिखा था 133333। एक बार और देख लेते हैं, 133777112। तो वही डालेंगे, 133777112। ऐसे ये डालने के बाद प्रोसीड कर देंगे। जैसे ही आप ये डालेंगे तो ये आपको सारी डिटेल्स दे देगा। इसको देखिए लैंडस्केप में कर लेते हैं एक बार अच्छे से देखने के लिए। तो देखिए ये सारी चीज़ें बता देगा आपको, कि जैसे एक कंसाइनमेंट के बारे में बता रखा है कि कंसाइनमेंट नंबर ये है, ये बवाना से धुलियान के लिए बुक हुआ था, टोटल 4 पैकेट्स थे, दिल्ली से बुक हुआ था। सारी डिटेल्स आपको इसमें मिल जाएगी। इसमें एक टोल फ्री नंबर भी है जो हेल्पलाइन नंबर है, जैसे आप अपने बारे में अगर ऐसे नहीं कर पा रहे तो फ़ोन करके भी पता कर सकते हैं। ये TCI वालों का टोल फ्री नंबर है। आगे आप चलेंगे तो नीचे देखेंगे, ऊपर रिबन्स में आपको दिखेगा कि आपको 17 तारीख का आपका प्रोडक्ट बुक हुआ था, 22 तारीख को इन ट्रांजिट में, कब पहुंचा 23 दिसंबर को, कब डिलीवर हुआ 31 दिसंबर को। ये सारी चीज़ें शॉर्ट फॉर्म में। और नीचे आएंगे तो आपको पूरी डिटेल्स दिखेगी कि कब कब आपका माल कहाँ से कहाँ पहुँचा। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है 17 दिसंबर को दिल्ली से बुक हुआ था ये, और 17 तारीख को ही अगले ऊपर इसके ऊपर देखेंगे तो 17 तारीख को दिल्ली से ये रेवाड़ी के लिए बुक हो गया था। ये TCI के जितने भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, पहले ये एक जगह माल इकट्ठा करते हैं, सारा माल इकट्ठा करने के बाद तब पूरी गाड़ी लोड होती है और तब जाके ट्रांसपोर्ट में लगता है, आपकी जगह पर पहुँचता है माल। तो देखिए ये पहले रेवाड़ी के लिए बुक हुआ, फिर 18 तारीख को ये रेवाड़ी पहुँच गया, 18 तारीख को रेवाड़ी पहुँचने के बाद ये कोलकाता जलगल पोर्ट ट्रांसशिपमेंट में बुक हुआ। उसके बाद ये 18 तारीख के बाद 22 तारीख को ये कोलकाता उस ट्रांसपोर्ट में पहुंच गया, जंगल पोर्ट। इसके बाद 22 तारीख को ये धुलियान के लिए बुक हो गया, धुलियान के बाद 23 तारीख को ये धुलियान में पहुंच गया। जब जैसे ही कस्टमर को डिटेल्स पहुंची, तो ये 31 तारीख को कस्टमर ने वहाँ से माल ले लिया। जैसे ही आप वहाँ से माल उठा देंगे तो इसमें डिलीवर्ड दिखा देगा। तो ये था हमारा TCI फ्रेट ट्रैक करने का तरीका, कि किस तरीके से आप अपना प्रोडक्ट को TCI फ्रेट पर ट्रैक कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।